विकसित भारत के प्रण से सीधा जुड़ा है स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प। इसीलिए हेल्थ केयर फॉर ऑल के विजन के साथ पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कदम उठाए गए। ये 9 साल मजबूत हेल्थ केयर सेक्टर के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीब को 5 लाख तक के इलाज की निश्चिंतता मिली है। जन औषधि केंद्र से दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती हो गई है। लाखों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएम अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से डिजिटल भारत में स्वास्थ्य सेवाएं लेना सहज हुआ है। 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 101,000 से अधिक और PG की सीट 31,000 से बढ़कर 65,000 से अधिक हो चुकी हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और 200 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण देश के सामूहिक सामर्थ्य की मिसाल बना। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। हेल्थ और वेलनेस की दिशा में ऐसे ही तेज कदम बढ़ाते हुए आज एम्स बीबी नगर तेलंगाना की आधारशिला रख रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। एम्स बीबी नगर का लाभ तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करोड़ों परिवारों को होगा। 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तरों वाले इस एम्स से सस्ती और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल सकेंगी। नए एम्स में होगी टर्शियरी केयर की सुविधा। यहाँ न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आदि सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, पैरामेडिकल जैसे 40 से अधिक विभाग काम करेंगे। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक लैब में होगी जांच। साथ ही साथ ये मेडिकल की उच्च शिक्षा और चिकित्सकीय अनुसंधान का केंद्र बनेगा। यहाँ आयुष विंग के साथ एकीकृत चिकित्सा प्रणाली होगी। 201 एकड़ के भूखंड पर 1,366 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स बीबी नगर को रिकॉर्ड समय में तैयार कर लिया जाएगा। एक और एम्स के साथ देश ने बढ़ाया है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की ओर एक और कदम।